हिंदू बेटियों की वारदात पर मुस्लिम बस्ती में अंडे फेंकने का मामला सामने आया है। मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। तो वहीं आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत देने के बाद भी टप्पल पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिस पर पीड़ितों ने नाराजगी जताई है। तो वहीं एक बार फिर गांव में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। इस गाँव में पिछले साल भी हिंदू बेटियों की बारात पर मस्जिद के सामने हमला करने का मामला सामने आया था। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, एक बारात में अंडे फेंकने का मामला आया है सामने, तनाव यहाँ बढ़ गया है, क्या कुछ पूरा मामला है, कहाँ की ये घटना है? मैं बता दें, ये नूरपुर की घटना है जो थाना टप्पल क्षेत्र में पड़ती है। और यहाँ पर रात में जब दो बच्चियों की शादी के लिए दूल्हा को बारात निकल रही थी, उस समय जो मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं उनके द्वारा अंडा फेंके गए उनके ऊपर, जिसके बाद भगदड़ मची उन लोगों में। जी जानकारी पुलिस को दी गई, उसके बाद पुलिस ने वहां पर उनके घरों में तलाशी भी ली, लेकिन जो उपद्रवी थे वो पकड़ में नहीं आए। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी जी जितेंद्र, अब क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, पुलिस जाब्ता कितना तैनात है और क्या दोनों पक्षों से बात करने की कोशिश की गई? वहां पर दोनों पक्षों से बैठ के बात करने के लिए सभी को निर्देश भी दिए गए हैं कि शाम को बैठ के मीटिंग की जाएगी इसके लिए, और साथ में पुलिस वहां पर पूरे चप्पे चप्पे पे लगा दी गई है। और जानकारी देना चाहूंगा, इससे पहले भी पिछले साल इसी तरीके से एक घटना पहले भी घटित हुई है, जहां उस समय भी काफी लोगों में रोष रहा है और इस तरीके की पहले भी वारदातें हो रखी है क्षेत्र में। जी या है, क्या अब तक मुकदमा दर्ज हुआ है या अभी भी नहीं किया है और क्यों? जी बताना चाहूंगा, मुकदमा तो दर्ज कर दिया गया है अब तक, और उसके ऊपर अब कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।